फॉर द फर्स्ट टाइम इन आर मैरिड लाइफ, 4 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं शिबा को घर पे अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लांट मीत। और आई होप आप अपने घरों में बहुत अच्छे हों। हमारी ताशु थोड़ी सी बेटर लग रही है मुझे। ताशु ठीक घूम रहा है। ताशु ये देखो, ताशु के एक्साइटमेंट देखो, पीछे कबूतर। अरे ताशु, इसका ध्यान पूरा वही है। कहाँ जा रहे हो? ताशु ताशु कबूतर दिख जाते हैं, ताशु कबूतर के पीछे ही पड़ जाती है। अभी शी ट्राइज टू ना ग्रैब कबूतर, उसको लगता है वो कैच कर लेगी, बट डरपोक करते करते कुछ भी नहीं है। वैल आज के दिन ताशु को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, स्टिल दिखाना तो है ही, थोड़ी सी ग्रूमिंग भी करवानी है और रेस्टोरेंट में भी थोड़ा सा चेंजेस करवाने हैं। एज इन ऑल दो इट्स नॉट डिलीवरी, इट्स नॉट डाइन इन, एक्चुअली डिलीवरी है, इट्स नॉट डाइन इन, बट स्टिल आई एम थिंकिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कराते हैं। कभी कभी हमारे कस्टमर्स हैं जो दे वॉन्ट्स टू सी एंड दे वॉन्ट्स टू कम एंड दे वॉन्ट मीट, सो फॉर देम आई एम जस्ट सेटिंग अप अ वेरी क्यूट नाइस स्पेस कि वो अगर कभी आ भी जाते हैं तो दे शुड बी अ स्पेस फॉर देम। तो वो एक छोटा सेटअप करना है, विल सी दैट। आज उसके बारे में थोड़ा कुछ जाके मैं देखूंगा भी एंड देन विल डू दैट इट्स रिक्वायर्ड। क्योंकि कल भी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, ही वाज लाइक यार मेरे को आके वहीं खाना है, तो इससे यार वह स्पेस अभी तक सेटअप नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है कि हमें कर लेना चाहिए। मुझे क्योंकि पहले भी एक दो कस्टमर ने सेम बात बोली कि नहीं नहीं हम कभी आना चाहते हैं, एंड आई कांट से नो टू देम बिकॉज दे आर माई कस्टमर, दे आर माई फ्रेंड, सो आई वॉन्ट देम टू कम एंड उनके वेलकम के लिए मुझे कुछ सेटअप करना पड़ेगा। आई डू दैट एंड शो यू। फाइनली दाशु इज फीलिंग गुड। ये देखो लल्लू ऊपर, आलू वही, अभी मैं जो खा रही हूँ मुझे वो खाने दो ना। हाँ दे दो प्लीज दे दो। इस टाइम पे उसको मतलब ऐसी बातें मत करो, उसको तो पूरा फोकस था खाने पे ही अभी तो। यम 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 ताशा को ले जाने का टाइम हो गया है एंड ताशा इतना डर रही है कि देखो ये मैंने निकाल दिया बॉस एंड नाउ वो देखो वो सिर्फ ये देखो ये वेट कर रही है कि निकलना, इसको भागना यहाँ से। खोलो दरवाजा, खोल दो इसको, जाए इसको जाने दो, मैं जाने दो फिर मैं इसको। जाओ ताशु खा लो खाना, खाना 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 है, चले चलो उधर खाना खाओ। ताशा हैव यू फूड, पानी पीना आपको? हाँ है पानी है, बट ये देखो अभी ये जाएगी नहीं, आई थिंक आई विल टेक हर नाउ। चलो नहीं जाना फिर कहीं, आजा चलो 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 मैं गुड बॉय। नहीं बाबा नहीं प्लीज, दैट्स लाइक मैं गुड बॉय। बैठ जाओ जा ताशु, नहीं ताशु नो, शिवा इसको बंद करो जल्दी। नो बाबा प्लीज, बाबा डोंट डू दिस टू मी, नो आई एम अ गुड बेबी बाबा। आपके अच्छे, आपके अच्छे के लिए लेके जाना ताशु। Not allowed to shoot here at the center, not even the grooming section में जाकर भी, और even डॉक्टर के पास भी, वेट के पास भी शूट करना अलाउड नहीं है। इसलिए अभी मैं शूट क्या मेरा रुकना भी अलाउड नहीं है। हमें लगता है हमारा इट्स लाइक अ बेबी, तो वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू यू नो होल्ड हर लाइक दैट, बट उनका इट्स अ बेसिक ट्रेट जो कैट्स का होता है कि कैट्स को हमेशा नेक से पकड़ा जाता है, दे ऑलवेज होल्ड फ्रॉम नेक, हम नहीं पकड़ पाते, बट दे ऑलवेज से कि सर आप गूगल करके देख लो, आप चेक करो कि कैट को एक्चुअली जो उसकी मदर होती है वो भी उसको नेक से ही पकड़ती है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज, बट वो आपको नहीं अच्छा लगता बिकॉज यू डोंट रियली फील लाइक होल्डिंग हर दैट वे। वी कैन ओनली बी सॉरी बट वी कांट हेल्प इट, वी ऑलवेज यू नो प्रे गुड फॉर आवर किड्स और गुड फॉर व्होमसेवर वी आर कनेक्टेड टू, बट हम तब तक ही कर सकते हैं जब तक हमारे हाथ में है, बट वी मेक श्योर कि कुछ गलत ना हो।
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दैट इज समथिंग विच आई डिड आई बाई टेलिंग हिम. तो ही व्हेन ही एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट सो आई कुडंट से एनीथिंग टू हिम. ताशु ताशु इधर देखो ताशु. For the first time in our married life, 4 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं शिबा को घर पे अकेला छोड़ के जा रहा हूँ for boys night out. Not exactly night out, it's a sleepover. ये actually video मैं record इसलिए कर रहा हूँ, ये vlog में नहीं जाएगा, but ये हम दोनों के लिए है. Mood बन के तो शायद डाल देते. Depending on. I said no because I'm not dressed up, I'm not looking good. But you're looking good by the way. तो ये रिकॉर्ड के लिए है, उससे तो व्लॉग में डाल भी दें कि बाद में हमें फिर देखना हो तो एटलीस्ट इजीली मिल जाएगा, वरना फ़ोन में ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैं आज जा रहा हूँ स्लीप ओवर के लिए, कुछ काम है वो पहले काम फिनिश करेंगे एंड उसके बाद हम स्लीप ओवर करेंगे. फावरी करेंगे, एक्चुअली फावरी करेंगे, हाँ शिवा को पता है फावरी करेंगे. एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग ऑन रिकॉर्ड आई एम फीलिंग सो डिफरेंट एंड सो अजीब बिकॉज ये अभी तक एक बार भी नहीं ऐसा हुआ. हाँ तो मैंने प्लान बनाया, बाद में मुझे जब ऐसा था ना कि जब निकलना है तो पता नहीं कुछ तो ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये सही है कि नहीं, मतलब अपने आप से ही मैं क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ बिकॉज ये कभी हुआ नहीं कि मैं छोड़ के नहीं गया हूँ शिवा को, पहली बार जा रहा हूँ. और तो मैं लद्दाख बता के आता हूँ, मम्मी यहाँ थे सब, तो मतलब पहली बार मैं भी बॉम्बे में हूँ, शिवा बॉम्बे में, बट शिवा घर पर अकेली है. दैट इज समथिंग विच इज, बट ठीक है मैं बिल्कुल पास में ही जा रहा हूँ तो मुझे वो भी एक सिक्योरिटी है, शिवा को भी है कि मैं बिल्कुल पास, मतलब बहुत पास में, 5 मिनट के रास्ते में है तो हम दोनों को बात का पता है. तो वी वांट टू रिकॉर्ड दिस एंड वी गुड शिवा लव यू बेबी. तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7, जो स्लीप ओवर करने के लिए मैं निकला था वो स्लीप ओवर स्लीप में कन्वर्ट ही नहीं हुआ. एक्चुअली वी बोथ डिडंट स्लीप, मैं और वरुण हम दोनों बैठे रहे, बातें करते रहे और बातें करते करते पूरी रात निकल गई और हम दोनों सोए नहीं. और अभी सुबह 7 बज गए हैं, हमने सनराइज साथ में देखा. तो अभी हम मैंने डिसाइड किया कि अभी तो क्या ही सोना है, आई विल गो होम टेक बाथ एंड देन आई विल टेक रेस्ट, अलार्म ऑफ करके. सुबह सुबह उठने का एक अलग मजा है जब आप खाली उठते हो, बहुत फ्रेश फील करते हो, बट एक्चुअली सुबह की एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि अगर पूरी रात नहीं भी सोए तो भी इस टाइम पर बहुत एनर्जी हाई है. मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, बट आई एम श्योर जैसे ही मैं बेड पे जाऊंगा मुझे नींद आ जाएगी. तो इस सुबह की एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, वेरी पॉजिटिव, सो गुड टू ग्रैब. और थोड़ा और अर्ली उठने की आदत डालनी चाहिए मुझे, आई विल ट्राई कि थोड़ा और जल्दी उठ पाए. काशु बारिश होगी, देख हाँ हो गई, बस मेरी बस बताती हूँ तुम्हें. ओए
आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मेरा लेजी रहा, क्योंकि मैं सोया नहीं पूरी रात, और आज मैं पूरा दिन सोता रहा, फिर उठा, जाके एक हेयरकट करवाया, आके अभी नहा धो के रेडी हो गया सोने के लिए। तो आज के दिन के इस छोटे से ब्लॉग के लिए हम इतना ही रखे हैं, क्योंकि कुछ है नहीं, बट मुझे कुछ एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है रिगार्डिंग कर्फ्यू एंड ऑल, एंड आई एम लिटिल वरिड तो नहीं बोलूँगा, मतलब लिटिल कंसर्न, क्योंकि अभी अभी रेस्टोरेंट अभी अभी ओपन किया है, तो अगर कर्फ्यू लगेगा तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा रेस्टोरेंट को, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्डर्स को, क्या टाइमिंग अगर है भी तो क्या टाइमिंग्स होंगी, बिकॉज एक्चुअली कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग विच गवर्नमेंट मस्ट बी डूइंग। तभी कुछ एक र्यूमर्स फैल रहे हैं कि कर्फ्यू हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली महाराष्ट्र की बहुत सारी प्लेसेस में लाइक नांदेड़ और कोल्हापुर ऐसी जगह पर कुछ कुछ जगह पर कर्फ्यू हो चुका है, कहीं नाइट कर्फ्यू है और कहीं तो कंप्लीट कर्फ्यू है वीकेंड्स वाला। तो आई होप ऐसा कुछ ना हो हमारे यहाँ, अगर होगा तो विल सी क्या होगा, बट वी शुड फॉलो इट, बिकॉज ये हमारे लिए अच्छे के लिए ही है। बट यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी भी काम स्टार्ट किया है आफ्टर न्यू ईयर, तो ऐसा लगता है कि यार एटलीस्ट थोड़ा स्मूथ हो जाए, बट अगर सबके अच्छे के लिए तो होना ही चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड अभी के लिए इतना ही रखते हैं। छोटे से स्वीट से ब्लॉग को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज का ब्लॉग पूरा पूरा ताशा को डेडिकेटेड है। तो विल सी यू सून, देन विल सी यू नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्दी। मीनवाइल बी वेल, टेक केयर, गुड नाइट।